मुझे उम्मीद है कि अच्छा काम करेगा। आप जनसरोकार की बात कर रहे हैं, जनता की बातें कर रहे हैं और निष्पक्ष अगर बातें कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। आम आदमी क्यों परेशान, क्योंकि कोई नहीं चाहता, जहाँ तक मैं समझता हूँ, चाहे हम हो, आम आदमी हो, गरीब आदमी हो, बड़ा, कोई नहीं चाहता। गरीब आदमी, मेरी माँ बहन बेटी कोई बाहर शौचालय जाए या बाहर नहाने जाए, हर आदमी चाहता है कि हम अपने घर में व्यवस्थाएं करें, और वो व्यवस्थाएं तभी होगी जब रोजगार के साधन होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मेरा मानना है सबसे ज्यादा जरूरत है हमें रोजगार के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवास और आप देख रहे हैं आईपा, आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं जन सरोकार और हम बात करते हैं समाज के विकास की, हम बात करते हैं राजनीतिक विकास की। हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी से भावी प्रत्याशी सूरज सिंह पटेल जी हैं, जिसे हम जानते हैं किस तरह से चित्रकूट जिले की राजनीति चल रही है। पहले तो आपका आईपा मंच बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आईपा मंच को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। हमारा एक मुहिम है, इस मुहिम में जन सरोकार की बात होती है, तो क्या लगता है कि हमारा मंच कैसा काम करेगा? क्या आपका मंच, मुझे उम्मीद है कि अच्छा काम करेगा। आप जन सरोकार की बात कर रहे हैं, जनता की बातें कर रहे हैं और निष्पक्ष अगर बातें कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा। सर, इस समय जो वर्तमान की राजनीति चल रही है, तो आप राजनीति से कितना संतुष्ट हैं? जो वर्तमान की राजनीति है, अगर मैं पार्टीवार बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, उनकी कुरीतियां हैं, सारे लोग देख रहे हैं। आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं, बैकवर्ड एससी के बल्कों के आरक्षण को खत्म करके उनको फिर से निष्ठाभूत किया जा रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है। तो जो राजनीति से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हिंसा दोष और संकुचित भावना की राजनीति कर रही है, ओछे पन की राजनीति कर रही है, जो ये हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हर तबके का लोग है, के लोग हैं। मैं भी ऑलरेडी बीएससी एमबीए हूँ। मैंने इस जिले में एक प्रथम इंडस्ट्री डाली है, पीवीसी पाइप की। इस जिले में कोई इंडस्ट्री नहीं थी, मैंने किसी तरह से मेहनत करके एक छोटी इंडस्ट्री डाली है, जिसमें करीब 40-50 लोगों को रोजगार स्टार्ट हुआ है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। आम आदमी क्यों परेशान, देखिए कोई नहीं चाहता, जहाँ तक मैं समझता हूँ, चाहे हम हो, आम आदमी हो, गरीब आदमी हो, बड़ा, कोई नहीं चाहता। गरीब आदमी, मेरी माँ बहन बेटी कोई बाहर शौचालय जाए या बाहर नहाने जाए, हर आदमी चाहता है कि हम अपने घर में व्यवस्थाएं करें, और वो व्यवस्थाएं तभी होगी जब रोजगार के साधन होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी विकास के मुद्दे तो समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किए, उसको जब भारतीय जनता पार्टी आई, कुछ कामों को पूरा भी किया, कुछ कामों को नहीं पूरा किया। ये विकास की धुरी है, ये तो जो सरकार आएगी कोई अच्छा करेगी, कोई बुरा करेगी। समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा किया, जो योजनाएं चलाई उनको ये नहीं पूरा कर पाए, फेल रहे। हमारे बुंदेलखंड को सबसे बड़ी जरूरत है, वो है, जहाँ तक मेरा मानना है, रोजगार। जब रोजगार होगा, लोगों के पास आय के साधन होंगे, तो किसी नेता मंत्री विधायक के पास वो मांगने जाएगा कि मुझे नल लगवा दीजिए। नल जो लगता है बाहर लगता है, अंदर नहीं लगता। सरकार जो सुविधाएं देती है वो बाहर देती है, घर के अंदर नहीं देती। तो मेरा मानना है सबसे ज्यादा जरूरत है हमें रोजगार के लिए। तो मैं सबसे बड़ी जो मेरी पहल होगी, मैं यहाँ पे मिनी इंडस्ट्रियाँ, और अगर मुझे मौका मिलता है तो मिनी इंडस्ट्रियाँ, लोग रोजगार के साधन का सबसे पहले प्रयास करते हैं। आपने रोजगार की बात की, बुंदेलखंड का चित्रकूट सबसे पिछड़ा इलाका है, यहाँ गर्म भी कहती है बहुत पिछड़ा इलाका है। तो कोई भी सरकार आए तो रोजगार के लिए कैसे प्रयास करें कि रोजगार है प्राप्त? देखिए, रोजगार के लिए यहाँ बहुत अवसर है, हमारे यहाँ बहुत साधन संसाधन है, उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। हमारे ही साधनों संसाधनों को ले जा करके बाहर लोग उपयोग कर रहे हैं और उन्हीं से बहुत चीज़ें बना रहे हैं। आपका फिल्टर स्टैंड यहाँ निकल रहा है, आपकी इतनी धातुएं नीचे निकल रही हैं, उसके बाद इतनी बेरोजगारी, जो लेबर है हमारी सूरत गुजरात बॉम्बे काम करने जा रही है, 8-10 हज़ार में काम करती है, और वहाँ जा करके जब जाती लौट के जब घर आता है तो 4 हज़ार में चालक मुक्ति हो जाता है। जब हम यहाँ मिनी इंडस्ट्री डालेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, लेबर की प्रॉब्लम रहती है। तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जो यहीं कई साल गुजार रही हैं, यार हजारों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो हम लोग मिनी इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देंगे, जो उस तरह के उद्योग है छोटे मोटे उनको बढ़ावा देंगे। ये सरकार कोई सब्सिडी की बातें करें, लेकिन किसी सब्सिडी मिल नहीं रही है। आप कोई जा करके किसी उसमें उठा करके देख लीजिएगा, जो इनके उद्योग विभाग के हुए हैं, फाइलें फिर भरी जाती है, फिर बैंक नहीं करता, किसी लोग करते नहीं। बैंकों की हालात ये हो गई है कि जब रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, बैंकों में पैसे नहीं जमा हो रहे हैं, एनपीए हो रहे हैं, इंडस्ट्रियाँ भी बंद हो रही है। 75% इंडस्ट्रीज इस समय ऑल इंडिया अगर देखा जाए तो 75% खुदी इंडस्ट्रियाँ बंद हो चुकी है। इसका रीजन ये है कि इन्होंने जो मटेरियल अदर कंट्री से आते थे, रिलायंस अंबानी अडानी के कहने पे, उन्होंने उसमें एंटी डंपिंग लगवा दी। एंटी डंपिंग का मतलब कि टैक्स बढ़ गए, जब टैक्स बढ़ गए तो जो छोटा हमारा व्यवसाय है वो उसको नहीं मैनेज कर पा रहा है।
तो फिर उसे घूम फिर करके रिलायंस और अंबानी के पास ही भागना पड़ रहा मेटेरियल के लिए। तो इस तरह की तमाम दिक्कतें जो सरकार ने कर दी है उससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। कोरोना का भी हालांकि है प्रकोप, मैं उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ, देखिए चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, मेरा मानना है जो सही हो वही बात करनी चाहिए। और विपक्ष की हमारी भूमिका है कि विपक्ष का काम होता है कि जो सरकार गलत करे उसको चिताए और सही कराए। तो मैं कभी जल्दी किसी के विपक्ष की बातों मुद्दों की बात करता हूँ तो सबसे बड़ी जो जरूरत है इस समय हमारे देश में रोजगार की जरूरत है। और रोजगार कैसे है जब तक नई इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं देंगे, बड़ी कंपनियां तो कारपोरेट जगत के लोग तो लोगों को पूरी तरह से अपने नीचे करने का काम कर रहे हैं और उनको अपने मन मुताबिक काम करा रहे हैं। इसके पहले अभी कोरोना के 2-3 साल पहले देखते हैं, भाजपा की सरकार नहीं थी, मैं ये कह सकता हूँ, तो उस समय कारपोरेट जगत की कंडीशन बहुत अच्छी थी। कारपोरेट जगत में बीते कैमटे की अच्छी जगह पोस्ट में लोग जा रहे हैं। आज ये हालात हो गए हैं कि टेली कम्युनिकेशन की अगर आप देखें, टेली कम्युनिकेशन की फील्ड में लगभग जो बड़े हमारे प्लेटफार्म थे उन प्लेटफार्मों में 2-3 बचे हैं। BSNL जो इंडियन है, अदर कंट्रीज में भी पूरी तरह से BSNL का हमारा ऑप्टिकल फाइबर डाला हुआ, लेकिन गवर्नमेंट जानबूझ करके सिर्फ अदानी अंबानी इनके जो आइडिया और रिलायंस के जो जियो के कारण इन्होंने पूरे प्लेटफार्म को बर्बाद करने का। BSNL का एक ऐसा हमारा संस्थान था जिसने कि मैं टेलीकॉम की फील्ड से बहुत जुड़ा रहा हूँ, किराए के रेंट पे शुरुआत में जियो को एयरटेल को वोडाफोन को रेंट पे देते थे अपने एयरटेल फाइबर, लेकिन वो सारा बंद हुए, जान मुझके उन्होंने बंद कर दिया, साइडे डाउन करा देते हैं उनसे मिल करके कि जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर चले, तो इससे बेरोजगारी तो आएगी जाएगी। सर इस समय जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पर सारे स्तर राजनीति करते हैं, क्या लगता है शिक्षा और स्वास्थ्य पर हर राजनीति की बातें होती हैं या कार्य? देखिए इस समय तो अगर देखें तो सिर्फ बातें हो रही है, अगर इसके पूर्ववर्ती आप देखें तो मैं विरोध न करते हुए भी किसी को कहूँगा, इसके पहले भी सपा के पहले भी जो सरकार में कुछ काम उन्होंने स्टार्टिंग किया था, तो जब समाजवादी पार्टी सरकार इसको प्राप्त रूप से शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो काफ़ी डेवलपमेंट के काम की कई योजनाएँ चलाई, उसके बाद जब सरकार है उसको नाम चेंज करके उनको कर दे, लेकिन वो भी नहीं चल पा रहे हैं। स्वास्थ्य में इस समय कितनी बदहाल आप देखते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मर गए, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए गए। तो प्लांट जब वही है कि जो हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब नज़दीक में आई बारात तो क्या बोलते हैं, उससे कैसी कहावत है, तो यहाँ पे एक वही हालात है कि ऑक्सीजन प्लांट आप तब लगा रहे जब लोग मरने की कंडीशन मरे जा रहे हैं। और निश्चित तौर से सेवाएँ सब लोग देख रहे हैं, सबके सामने है, कोई चीज़ छिपी नहीं है, और मुझे लग रहा है जनता इसका जवाब। सर इस समय आपका समाजवादी पार्टी से काफ़ी उम्मीदवार, तो आप जनता के लिए क्या काम करना चाहते हैं अगर आपको जनता मौका देती है? देखिए अगर जनता मुझे मौका देती है, पार्टी अगर मुझे मौका देती है, अगर मुझे मौका मिलता है तो सबसे मेरी जो प्राथमिकता तो विरोध है, इसलिए कि मैं इसे बहुत बेहतर समझता हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे किसी नेता के यहाँ या किसी विधायक के यहाँ किसी सांसद के यहाँ नल लगवाने के लिए जा करके बैठना पड़े, और जब नल लगता है तो घर के बाहर लगता है, नल नहीं लगता तो सबसे हर आदमी का आजमानी होता है। मजबूरी में कोई कैसे भी रहे, चाहे वो बिहार के एरिया में हो चाहे शहर के एरिया में हो, जिनके पास सुविधाएं नहीं है बेचारे बाहर ही नहा। वर्तमान विधायक कहते हैं सारा काम हो गया, वर्तमान विधायक तो यहाँ के मंत्री भी हैं, आप देख रहे हैं लोगों कितना काम हुआ कितना गड्ढा मुझसे, सरकार को कह रही है डाल हम कब क्या करेंगे, हम तो प्रैक्टिकली बात करते हैं, नॉन प्रैक्टिकल बात करने का कोई मतलब नहीं। सीता जी ये बताएं जिस समय राजनीति चल रही है और राजनीति में युवा बढ़कर के हिस्सा ले रहा है, क्या लगता है युवा के बढ़ने से क्या राजनीति बदलाव आ सकता है? निश्चित तौर से बदलाव आएगा युवा के बढ़ने का। देखिए एक जो मेरा मानना सबसे बड़ा कि फर्क सकता अब लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, बीते चलते इंजीनियरिंग करके BCA तमाम डिग्रियाँ ले करके अच्छे चल रहे, उससे क्या है लोगों की मानसिकता चेंज हुई है, मानसिकता जो चेंज हुई है उससे जात पात का भेदभाव कम हो रहा है। इस पर काफी अंतर आ रहा है, पहले तो जात पात के नाम से बहुत लड़ाई होती थी, अभी भाजपा वाले हालांकि वो काम कर रहे हैं, लेकिन अब मानसिकता धीरे धीरे खत्म होगी, जैसे जैसे शिक्षित होंगे लोग वैसे वैसे चीजों पर असर पड़ेगा, तो जात पात की भेदभाव कम होगी, और युवा जब आगे आएगा तो जात पात का भेदभाव आपस में समानता आएगी, समता मूलक समाज की। क्या लगता है धर्म जात और मजहब का जो राजनीति कर रहे हैं क्या संभव सही है? ये देखिए बिल्कुल सही नहीं है, धर्म एक आस्था का विषय है, हमारी आस्था क्या है, हम भगवान राम को मानते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं, वो हमारी एक आस्था का विषय है। हमारे यहाँ इतने देवी देवताएं हैं जिसको जहाँ संतुष्टि मिलती है, जिसको जहाँ सुकून मिलता है, वो वहाँ पे अपनी आस्था है, उसकी आस्था का विषय है।
ये इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, चाहे धर्म हो या पक्ष हो कोई भी हो, मैंने समझता हूँ कि धर्म के साथ राजनीति। और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उसको जनता जवाब दे दी। और मैं यही समझता हूँ कि धर्म को एक आस्था का विषय है, कोई राम को मानता है कोई रहीम को मानता है। साहब जनता के पास जाते हैं, क्या वादे हैं आपके, क्या वादे लेकर जाते हैं? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों को, उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं को, और आगे हम क्या करेंगे, हमारे मुद्दे ये हैं। हम रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, रोजगार देने का काम करेंगे, और शिक्षा और स्वास्थ्य, तीन चीजें जो आदमी को उसमें जो मैं समझता हूँ सबसे जो है। देखिए, जब रोजगार होगा तो कोई किसी के पास मांगे, अपना डेवलप अपने आप करेगा। जब रोजगार नहीं होगा तो हम अंग्रेजी में किसी के पीछे भागेगा। सबसे बड़ी जरूरत रोजगार की है, शिक्षा की और स्वास्थ्य की है। जनता के लिए क्या काम किया? देखिए, जनता के लिए मैंने जो मैंने पर्सनल अगर मैं कहूँ कि मैंने जनता के रोजगार देने का इसलिए सबसे पहली मैंने डाली है, प्रथम इंडस्ट्री है जो अभी स्टार्टिंग हुई है, धीरे धीरे उसमें लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। मेरे पास जो गरीब वो आते हैं, जो मदद उससे हो सकती है वो मैं छेद में जाके जो आते हैं करते हैं, दिखावा वाला काम नहीं करते हैं। किसी के एक किलो आलू दे करके और फिर उसको सोशल मीडिया में डालने मैं उचित नहीं समझता हूँ, वो मैं उसकी दे करके तो नहीं समझता हूँ। नितिन जी, होता है इस समय चुनाव बहुत नजदीक में, साथी दल गए हैं, हालांकि कुछ दलों के पार्टियों द्वारा जो है घोषित भी कर रही है उम्मीदवार, लेकिन ये होता है कि जिसे जनता वोट करती है उसको नाखुश होकर करती है, कुछ खुश होकर करती है, क्योंकि संवैधानिक अधिकार से वोट करने का, और जनता यहाँ तक सरकार भी बदल देती है। तो क्या लगता है उनके वादे कहीं पूर्ण नहीं होते हैं जो वादे किए जाते हैं, यहाँ पर नेता गलत है या जनता? देखिए, कभी कभी एक चुनाव का समय आता है तो तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे आते हैं, पक्ष विपक्ष की तरफ से चुनावी मैदान होते हैं, तमाम तरीके के रूमर्स आते हैं, उनके भी कहीं ना कहीं जनता प्रभावित होकर के बह जाती है। इसमें जनता का दोष नहीं है, तमाम रूमर आते हैं। कई बार तो कभी मंदिर के मुद्दे उठा लिए जाते हैं, कभी कोई कांड करा दिए गए उनके मुद्दे उठते हैं। तो वहाँ पे क्या था, कोई अभ्यास मैंने पहले भी कहा कि शिक्षा का अभाव होने के कारण कहीं ना कहीं जनता समझ नहीं पाती है और गलत डिसीजन ले जाती है। तो और जहाँ इसकी बात करें तो देखिए, आकलन तो काम का जनता करती ही करती है, हो सकता है कुछ कमियां हम में भी रहती हो, तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आयता में कहने के लिए। आपका धन्यवाद, आपने उनको समझ लगा। अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार सुलोचन पटेल जो लगातार कह रहे हैं कि चित्रकूट जिले में सबसे पिछड़ा जिला है, यहाँ पर रोजगार की आवश्यकता है, यहाँ पर यदि रोजगार हो जाते हैं तो युवा जो वर्ग यहाँ से पलायन कर जाते हैं, कहीं और 10 से 12 हज़ार रुपये नौकरी करते हैं और घर आते हैं, पर काफ़ी परेशान रहते हैं। अगर उन्हें यही यहाँ पर रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि उन्होंने यहाँ पर कहा शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से यहाँ लोगों को तैयारी करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, और जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं और यहीं कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढने क्लास में बाहर चले जाते हैं। अगर यहाँ ऐसी व्यवस्था हो जाए तो काफ़ी लोग शिक्षित भी हो सकेंगे और रोजगार भी प्राप्त होगा। हालांकि सरकारें वादे तो करती हैं लेकिन वादे कहीं पूर्ण नहीं होता है। आईपा मंच के लिए सुरेश सिंह कछवाल, चित्रकूट।